हार से भी नहीं सीख रहे राहुल गांधी। ब्रिटिश राज से कर दी मोदी सरकार की तुलना। मोदी सरकार से लड़ाई, अंग्रेजों की याद आई। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से मंथन में जुटे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सीखने और सुधरने को तैयार नहीं दिख रहे। कांग्रेस की हार के पीछे उसके नेताओं का बड़बोलापन बड़ी वजह बनकर सामने आया, लेकिन खुद राहुल इसे लेकर सुधार के मूड में नहीं दिख रहे हैं। चुनाव नतीजे आने के बाद पार्टी की संसदीय दल की बैठक में पहुंचे राहुल शनिवार को फिर से आक्रामक अंदाज में दिखे। पार्टी के हताश और निराश कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ये जरूरी भी था, लेकिन इस कोशिश में वो एक बार फिर भाषा की मर्यादा भूल बैठे। संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए राहुल ने मोदी सरकार की तुलना ब्रिटिश राज से कर दी। राहुल ने कहा, आप स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहले ऐसे लोग हैं जो किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं बल्कि देश की हर संस्था के खिलाफ चुनाव लड़े। ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो लोकसभा चुनाव में आपसे लड़ी नहीं हो। आप ऐसी हर संस्था से लड़े और लोकसभा पहुंचे। आगे ऐसी कोई संस्था नहीं है जो आपको सहयोग करेगी। ये ब्रिटिश काल जैसा है जब किसी एक संस्था ने भी कांग्रेस का सहयोग नहीं किया था। इसके बावजूद हम लड़े और जीते, हम फिर जीतेंगे। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। राहुल गांधी अब भी कुछ सीखने के लायक नहीं है, ये उन्होंने आज साबित कर दिया है। सीखने की तैयारी होना ये बात अलग होती है, सीखने की लायकी न होना ये दूसरी चीज़ है। राहुल गांधी दूसरे कैटेगरी के में, वो कुछ सीख नहीं पाते, सीख नहीं सकेंगे। और अपनी हार क्यों हुई इसका जायजा लेने के बजाय फिर से जंग लड़ने की भाषा जिस तरह से राहुल गांधी कर रहे हैं, वो कांग्रेस की कब्र खोद रहे हैं। चुनाव में करारी हार के बाद निराश पड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरते हुए राहुल ने कहा, हम उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी के लिए लड़े जब इसके 44 सांसद थे। पिछली बार मुझे लगा था कि ये कठिन होगा। बीजेपी के 282 सांसद हैं और हमारे पास 44, ऐसे में हम क्या करेंगे। लेकिन कुछ सप्ताह के भीतर मुझे एहसास हो गया कि हमारे 44 बीजेपी के 282 सदस्यों से मुकाबले के लिए काफी हैं। इस बार तो हमारे पास 52 सांसद हैं। ये 52 सांसद इंच इंच बीजेपी से लड़ेंगे। संविधान और देश की संस्थाओं को बचाने के लिए कांग्रेस सांसद बब्बर शेर की तरह काम करेंगे। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान पर जोरदार पलटवार किया है। देखो, एक चीज आप अगर आप इन पिछले 5 सालों में इनका देख लो तो इंच 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 सरकार को निपटाते निपटाते ये फिट फिट खुद निपटते गए। तो इंच इंच निपटाते के चक्कर में फिट फिट निपट चुके हैं। कांग्रेस का सफाया कांग्रेस का बंटाधार करते रहे। अब इन्हें जो है फेक फैब्रिकेटेड कहानी किससे गढ़ करके हिट एंड रन की राजनीति छोड़ करके और सकारात्मक रचनात्मक राजनीति करेंगे, सकारात्मक रचनात्मक भूमिका निभाएंगे तो हो सकता है कि कुछ कांग्रेस का भला हो। राहुल गांधी ने संसदीय दल की बैठक में जो कुछ कहा, बीजेपी भले ही उसे लेकर हमलावर हो, लेकिन कांग्रेस के नेता साफ कह रहे हैं कि राहुल के कहे पर अमल के लिए कांग्रेस सांसद पूरी तरह से तैयार हैं। राहुल जी ने कहा है अपने पार्लियामेंट के मेंबरान से कि उनको इंच टू इंच लड़ना पड़ेगा, और जाहिर है कि एक जिम्मेदार अपोजिशन का यही काम होता है। आज भी कांग्रेस पार्टी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी है और ज़्यादातर पार्टियां उसके साथ हैं, तो जाहिर है कि एक टफ फाइट होगी, लेकिन हम इसको लड़ने के लिए तैयार हैं। ये राहुल जी का आह्वान है और मैं समझता हूँ इस पर पूरी संजीदगी के साथ अमल किया जाएगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई थी। 2019 में यह आंकड़ा बहुत नहीं सुधरा और 52 पर जाकर ठहर गया। पिछली बार की ही तरह इस बार भी कांग्रेस इतनी सीटें नहीं जीत पाई कि सदन में वो नेता विपक्ष का भी दर्जा हासिल कर सके। बावजूद इसके पार्टी की खस्ता हालत पर विचार की बजाय सरकार के खिलाफ जुबानी जंग छेड़ने पर बीजेपी ने अब राहुल को नसीहत दी है। लड़ने का मतलब क्या है? संसद रोकना? लड़ने का मतलब है देश के प्रधानमंत्री को गाली देना? लड़ने का मतलब है देश के सुरक्षा बल के ऊपर पराक्रम पर सवाल उठाना? लड़ने का क्या मतलब है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़ा करना? अगर यही अंदाज उनका रहा तो अगली बार 5 सांसद भी उनके चुन के आने वाले नहीं हैं।
ऐसे भी अभी से नारा लग रहा है बार बार मोदी सरकार। राहुल गांधी एक ओर बीजेपी से इंच इंच लड़ाई का दम भर रहे हैं तो दूसरी ओर पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफे पर भी अड़े हैं। ऐसे में वो नंबरों में बेहद मजबूत दिख रही मोदी सरकार से कैसे और किस तरह से लड़ेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।